बात करने की तमीज नहीं है आपको? आपको है ये बात करने की तमीज, आपको शर्म नहीं आती एक महिला पत्रकार से बात करने? अरे आपको शर्म नहीं आ रही है? आपको नहीं आती आपसे? मुख्यमंत्री पर हमला क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या पूछ रही है? क्या पूछ रही है आपसे? मुख्यमंत्री पर हमला क्या कर रहे हैं? अरे यही तो पूछा है कि मिर्च पाउडर थे क्या बता रहे हैं आप? आपकी इतनी हिम्मत है क्या बात करने की मोदी के खिलाफ? इतनी हिम्मत नहीं है, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे? अरे आपकी हिम्मत नहीं है बात करने की? मांगने का मुंह नहीं है आप? किसी किसी पार्टी का मुखौटा बन के उनके लिए दलाली कर रहे हो? आप दलाल हो? बिल्कुल चुनौती से। अरे आप दलाली कर रहे हैं बैठ के? आप चुनौती से के ऊपर वोट मांगने मत आ जाइएगा। आप चैनल के ऊपर दलाली कर रहे हैं बैठ के? आप चुनौती देकर कह रही हूँ वोट मांगने मत। अरे आप भाजपा की दलाली करते हैं बैठ के यहाँ पे? आप क्यों करते नहीं बात करने की? सुनिए ये जो मिर्च पाउडर किसी अज्ञात व्यक्ति, आप क्यों करते नहीं बात करने की? स्वीकार कर लो, इसे स्वीकार कर लो, घमंड में मत आओ आप लोग। इतना आप क्यों करते नहीं बात करने की? भाजपा की दलाली कर रहे बैठ के चैनल पे? जो अपनी दलाली कर रहे हो वो आपकी बात कर रहा है? जो अपनी पत्नी को घर में मारता पीटता बातें कर रहे हैं और ये बकवास करना बंद कर दो, समझे ना? आपकी औकात? अरे बकवास करना बंद कर दो। अरे सर आप मुंह बंद कर लीजिए, बकवास करना बंद कर दो। आप जैसो को जो नंगा करने का सिलसिला है ना वो बकवास करना बंद कर दो। बिल्कुल चुनौती, ये भड़वा गिरी करना बंद कर दो चैनल बैठ के। अरे बोलिए ना, हम भी तो पता लगे। अरे धंधे में बैठ जाओ। आपको शर्म नहीं आती है क्या? आपको शर्म नहीं आती है? आपको ये दलाली कर रहे हैं ना? सुनिए बिल्कुल चुनौती से कह रही हूँ, ये जो दलाली आप कर रहे हैं राजनीति की, दलाली कर रहे हैं, ये जो दलाली आप राजनीति की कर रहे हैं, मुंह पे दलाली कर रहे हैं बैठ के, तमाचे मारेगी वोट लेने आगे मुँह चाहिए। आप लोगों ने आपके चुनावों में चुनाव लड़ने की आपकी औकात नहीं है, औकात नहीं है, मुँह नहीं दिखा सकते आप बात कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरह से सोमनाथ भारती भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे थे? ये दिखा रहे थे कि किस तरीके से वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, सम्मान का सौ भी उन्होंने कभी अपने जीवन में सुना होगा। ये सोमनाथ भारती, ये वही सोमनाथ भारती हैं जो कानून मंत्री बन के बैठे थे। अब आप समझ रहे हैं ना कि दिल्ली की सत्ता कैसे लोगों के हाथ में है।